दिल्ली के अंदर दो एग्ज़ाम होते हैं DSSB के, एक होता है MCD का, एक होता है DOE का। तो आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि जो DOE का और MCD का एग्ज़ाम होता है उन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। देखिए, डिफरेंस दो लेवल पर होंगे, एक तो होगा एग्ज़ाम के अंदर जब आप एग्ज़ाम दोगे और एक होगा जब आप सेलेक्ट हो जाओगे। तो आज की इस वीडियो में दोनों चीज़ों के बारे में बात करूँगा कि MCD के अंदर कितने नंबर का आता है, DOE के अंदर कितने नंबर का आता है, दोनों के पैटर्न के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं, क्या सिमिलैरिटी है, और इन दोनों के अच्छाइयों के बारे में बात करूंगा। नौकरी कोई सी भी अच्छी होती है, तो MCD और DOE की कंप्लीट ये वीडियो होने वाली है। आप लोग टीचिंग लाइन से रिलेटेड हैं तो ये वीडियो तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखना ही, कई ऐसी चीज़ निकलेंगी जो आपको नहीं पता होंगी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, MCD और DOE ये दोनों के एग्ज़ाम दिल्ली के अंदर टीचिंग लाइन में टीचर लगने के लिए देने पड़ते हैं। जो MCD वाला जो एग्ज़ाम है वो अंडर आता है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली के, लेकिन जो DOE है वो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के अंडर आता है। MCD के स्कूल और DOE के स्कूल्स के अंदर फ़र्क ये होता है कि MCD के स्कूल आपको पाँचवीं तक दिखेंगे, लेकिन DOE के स्कूल आपको पाँचवीं से आगे तक के भी दिखेंगे। तो प्राइमरी टीचर के रूप में आप MCD और DOE के अंदर जाएंगे तो आपको टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा। CTET दोनों के लिए ज़रूरी है, तो CTET के बाद आप इन दोनों के एग्ज़ाम फिल कर सकते हैं। जो दिल्ली के अंदर टीचर लगने का जो एग्ज़ाम होता है MCD का, वो ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है। कैसा एग्ज़ाम होता है? ऑफलाइन। लेकिन DOE के लिए ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर जब भी टीचिंग के एग्ज़ाम हुए थे तो कुछ एग्ज़ाम्स ऑफलाइन थे और कुछ ऑनलाइन थे। तो इसका मतलब ये था कि MCD वाले एग्ज़ाम तब हुए तब ऑफलाइन हुए थे और DOE वाले हुए तब वो ऑनलाइन हुए थे। अब याद रखना कि MCD का जब भी टीचिंग वाला एग्ज़ाम होता है, जो रिटर्न होता है, वो बिल्कुल नहीं होता। अब दोनों के दोनों MCQ होते हैं। पहले MCD का जो एग्ज़ाम होता था वो काफ़ी साल पहले रिटर्न होता था। अब इन दोनों के अंदर कोई भी इंटरव्यू भी नहीं है, डायरेक्ट CTET के बाद आप जो है पेपर देने जाओ, ये ऑफलाइन मोड में, ये ऑनलाइन मोड में। इसका पेपर भी 200 नंबर का आता है और इसका पेपर भी 200 नंबर का आता है। दोनों का सिलेबस बिल्कुल सेम है, सेम सिलेबस है, सेम मार्किंग स्कीम है। 200 नंबर में पार्ट ए में 5 सब्जेक्ट और पार्ट बी में साइकोलॉजी और पेडागोजी के 100 नंबर। तो 100 नंबर का हो गया आपका पार्ट ए और 100 नंबर का हो गया पार्ट बी। लेकिन यहां पर ये दोनों एग्जाम काफी डिफरेंट हैं। कैसे हैं? देखिए, दिक्कत आती है DOE एग्जाम में एक बहुत बड़ी, वो दिक्कत ये आती है कि ये जब ऑनलाइन एग्जाम होता है 200 नंबर का, तो इसमें आप क्वेश्चंस को स्विच नहीं कर सकते। इसका मतलब ये कि आपके सामने शुरू में आ गया मैथ्स, तो आपको 1 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन यहां पर वो करने ही पड़ेंगे। उसको करने के बाद आप नेक्स्ट हिंदी पर स्विच कर पाएंगे। जब तक आप ये 30 नहीं करेंगे आप नेक्स्ट पर नहीं स्विच कर पाओगे। अगर आपने मैथ को फिल करके सबमिट कर दिया और आप हिंदी के अंदर आ गए तो फिर आप मैथ को दोबारा नहीं कर पाओगे। तो ऑनलाइन मोड में काफ़ी स्टूडेंट्स को दिक्कत हो जाती है। बहुत ज़्यादा पेपर भी ऑनलाइन में छूटता है बच्चों का, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर क्या करना पड़ता है? यहाँ पर गोले भरने पड़ते हैं। अब ऑनलाइन एग्जाम में आपने एक चीज़ देखी होगी कि इसके अंदर पार्ट ए जो आता है उसके अंदर सिमिलैरिटी मिलती है। याद रखना, पार्ट ए के अंदर हमेशा DOE में सिमिलैरिटी मिलेगी जो ऑनलाइन एग्जाम होगा। जैसे जब पिछली बार एग्जाम हुए तो जितने भी शिफ्ट में एग्जाम थे सब में GK के अंदर एक क्वेश्चन था कि इस फसल का बाजार मूल्य कितना है। तो हर शिफ्ट में अलग अलग फसलों का बाजार मूल्य पूछ रखा था। ऐसे ही मैथ्स के जो क्वेश्चन थे वो रकम बदल कर पूछ रखे थे, सेम थे बिल्कुल। लेकिन ऑनलाइन के अंदर सिमिलैरिटी तो हो जाती है, लेकिन इसका फायदा बच्चे नहीं उठा पाते। क्यों? क्योंकि उनके हाथ में क्वेश्चन पेपर नहीं होता। जबकि यहां पर देखिए क्या होता है, यहां पर दोस्तों पार्ट ए में बहुत सिमिलैरिटी होती है और जो पार्ट बी होता है दोस्तों वो भी MCD वाले से अलग होता है। पार्ट बी के अंदर अगर मैं DOE की बात करूं तो पार्ट बी के अंदर थोड़े से कंसेप्ट के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। वहां से क्वेश्चन आते हैं जो आप डाइट के टाइम पर चीजें करते हो, कन्वेंशनल चीजें नहीं आती पार्ट बी में। लेकिन पार्ट ए यहां पर बिल्कुल ओके आता है। MCD की अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो पार्ट ए होगा वो आता है हमेशा नॉर्मल। पार्ट ए हमेशा आपको नॉर्मल दिखेगा, यानी कि शुरू के 100 नंबर आपको नॉर्मल दिखेंगे,
लेकिन यहां पर दिक्कत उत्पन्न होती है पार्ट बी में, क्योंकि पार्ट बी यहां पर आ जाता है टफ। याद रखना एमसीडी टीचिंग के एग्जाम में ऐसा भी हुआ है पास्ट में कई बार कि जितनी वैकेंसी आई वो पूरी की पूरी भी फिल नहीं हुई, तो यहां पर पार्ट बी खेल को बिगाड़ता है। तो यहां पर अगर मैं देखूं डीओई ऑनलाइन है, कई लोगों को ऑनलाइन करने में जल्दी मजा आता है और अच्छी चीजें लगती है, लेकिन कई लोगों को ये डिफिकल्ट लगता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको डिफिकल्ट कौन सा लगेगा। दोनों के अंदर नेगेटिव मार्किंग 0.25 की होती है, यानी कि चाहे सिलेबस हो चाहे मार्किंग स्कीम हो, ये क्या होती है, सेम होती है, लेकिन पैटर्न ऑफ एग्जाम्स आर डिफरेंट, पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस आर डिफरेंट। क्वेश्चंस लिखो यहां पर, जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनका नेचर थोड़ा सा अलग होगा यहां पर। अब ये तो थी एग्जाम की बात, एमसीडी और डीओई आप कोई भी चूज कर सकते हैं, बिल्कुल सेम सारी चीजें। लेकिन अब जब आपको जॉब मिल जाएगी उसके बाद का डिफरेंस सुनो यहां पर। एक चीज याद रखना, एमसीडी के अंदर कभी भी सैलरी टाइम पर नहीं मिलेगी, 2-3 महीने हमेशा आपको वेट करना पड़ेगा, लेकिन यहां पर सैलरी आपको ऑन टाइम मिलेगी। जो एमसीडी वाले टीचर है दोस्त, एक चीज याद रखना, उनके ऊपर वर्कलोड भी इतना ज्यादा नहीं होगा। यहां पर वर्कलोड भी होता है, स्टाफ बेशक यहां पर बड़ा होगा डीओई में। एक चीज और आपको याद रखनी है कि एमसीडी के अंदर दोस्त, चाहे डीओई हो चाहे एमसीडी हो, दो शिफ्ट होते हैं, सुबह की शाम की, यानी दोपहर वाली। तो यहां पर ट्रांसफर टफ है एमसीडी में, लेकिन यहां पर आप इजिली ट्रांसफर करवा पाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि आपने बोला ट्रांसफर हो गया, लेकिन हाथ पैर मारोगे तो यहां पर हो सकता है, यहां पर मुश्किल हो जाएगा। जोन अगर चेंज करवाओगे या और कुछ देखोगे तो और ज्यादा यहां पर दिक्कत होगी। अब एक चीज और आपको यहां पर देखनी है कि जो एमसीडी के टीचर होते हैं दोस्तों, एमसीडी के टीचर जब ज्वाइन करके जाते हैं उन्हें बेसिकली शाम की शिफ्ट मिलती है। याद रखना, उन्हें बेसिकली शाम की शिफ्ट भी मिलती है। तो अगर आप मुझसे पूछे कि एमसीडी और डीओई में आपको कौन सा अच्छा लगता है, तो दोस्त ये पर्सनल प्रेफरेंसेस की बात हो जाती है। जहां तक मुझे एक चीज दिखाई देती है कि जो ये डीओई वाला ऑनलाइन एग्जाम होता है दोस्तों, इसमें पार्ट ए और पार्ट बी ये दोनों बैलेंस में रहते हैं, लेकिन यहां पर पार्ट बी मुश्किल हो जाता है, पार्ट ए नॉर्मल रहता है। यहां पर दोस्त बहुत ज्यादा आपको स्पीड दिखानी पड़ती है, क्योंकि यहां पर दोस्त आप पीछे पलट के भी चीजें नहीं देख सकते, लेकिन यहां पर आप चीजें पीछे पलट के देख सकते हैं। आपके हाथ में जो है गोले भरने वाली शीट के साथ आपका क्वेश्चन पेपर भी होता है। तो सेम सिलेबस सेम मार्किंग स्कीम होने के साथ साथ ये पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस इनके बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। तो आप इन दोनों में से, चाहे एमसीडी हो चाहे डीओई हो, जिस भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, ये सोच लो दूसरे के लिए ऑटोमेटिक हो रही है। चाहे एमसीडी की निकले चाहे डीओई की निकले, जिसकी भी वैकेंसी निकली, जो चीजें हम कर रहे हैं उस एग्जाम को आप इजिली क्लियर कर लोगे। एमसीडी का जब पेपर हुआ, हजारों स्टूडेंट्स ने पास किया है ये, जिसमें से मैं लगभग 100-200 स्टूडेंट को जानता हूं। डीओई स्टूडेंट का जब निकला ऑनलाइन हुआ, बहुत सारे स्टूडेंट ने क्लियर किया, लगभग 100-150 स्टूडेंट को मैं डीओई वालों को जानता हूं। तो एमसीडी हो चाहे डीओई हो, सब अपनी जगह पर बहुत अच्छे हैं दोस्तों, हमें बस मौके का इंतजार है। और याद रखना दोस्त, वैकेंसी जरूर निकलेगी, टाइम लगेगा थोड़ा, लेकिन जब भी वैकेंसी निकलेगी दोस्तों, आपको झपट्टा मारना पड़ेगा। तो ये वीडियो थी उन स्टूडेंट के लिए जो पूछ रहे थे कि क्या डिफरेंस होता है। कोई डिफरेंस नहीं होता, सेम मार्किंग स्कीम होती है, लेकिन सिलेबस और मार्किंग स्कीम सेम होते हुए भी पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस आपको अलग मिलेंगे। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सा अच्छा लगे। ऐसी दोस्तों आप लोगों को पढ़ाने के साथ साथ आप लोगों को अवेयर भी करता रहूंगा। ये वीडियो दोस्तों तक पहुंचा दो, ताकि उनको अच्छी अच्छी वीडियोस का जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपको भी मिलेगा, नीचे जो बेल आइकन है ना, उसको ऑल नोटिफिकेशन पर कर दो। और दोस्त एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो मैं हमेशा आप लोगों को कहता रहता हूं, वो क्या है, वो ये है कि पढ़ते जरूर रहना है, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचती। BTS DSSB टेलीग्राम के सर्च बॉक्स में डालो, आपको मिल जाएगा ये। और ऐप के ऊपर OTP की दिक्कत आ रही है, काफी सारे स्टूडेंट के मैसेज भी आ रहे हैं, और उस दिक्कत को मैं ठीक करवाने की कोशिश भी कर रहा हूं। और पूरी उम्मीद है कि कल शाम तक आपकी मोबाइल की एंड्रॉयड एप्लीकेशन बैक टू स्कूल की दिक्कत ठीक हो जाएगी रजिस्ट्रेशन की। तब तक टेलीग्राम ग्रुप को आप सर्च कीजिए,
और जुड़ जाइए वहाँ पर, ताकि वहाँ पर जो मैं चीज़ें आप लोगों से शेयर करूँ वो आप लोग ले सकें। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।